भाई लोग Q&A वीडियो आने वाला है इस संडे पर, तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस को कमेंट करिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में यामाटो नारुतो से कहते हैं कि जिसने साकुरा को चोट पहुंचाई वो तुम ही थे। ये सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जिराया भी वहाँ पर घायल पड़े थे। जिराया कहते हैं कि नारुतो तुम्हें सच में नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ था। प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि इसका मतलब वो ब्रिज और बड़ा सा गड्ढा। यामाटो कहते हैं कि हाँ वो तुमने ही किया था, और साकुरा को चोट भी। तो यामाटो कहते हैं कि हाँ चोट भी साकुरा को तुमने ही पहुंचाई थी। साकुरा ने तुमसे झूठ कहा था क्योंकि वो तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहती। कैप्टन यामाटो बताते हैं कि मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं नाइन टेल्स के पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर तुम सास्के को ढूंढने में नाइन टेल्स का पावर यूज कर रहे हो तो ये तो तुम्हें मदद तो करेगा, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोगों को चोट भी पहुँचा सकता है। अगर तुम्हें सास्के को ढूंढना है तो नाइन टेल्स की पावर को तुम्हें भूलना होगा और अपनी पावर से सास्के को ढूंढना होगा। अगर तुम साकुरा को बचाना चाहते हो तो फ्रॉग स्पिरिट के बारे में भूल जाओ और अपनी पावर से बचाओ। तो नारुतो कहता है कि हाँ। हमें काबुटो और साय और ओरोचिमारू को दिखाया जाता है। ओरोचिमारू कहता है कि ये सब करने की जरूरत है क्या काबुटो? तो काबुटो कहता है कि हाँ, अगर मैं मेरे इंस्ट्रूमेंट्स को सही टाइम पर धोया नहीं तो उसके अंदर डलनेस आ सकती है। साकुरा का हाथ हील हो चुका था। साय अपना मुंह धोकर पहुंच रहा था, तभी वो अपने बैग में हाथ डालता है और नोटिस करता है कि उसकी बुक बैग के अंदर नहीं है। साकुरा अपने बैग में से साय की बुक निकालती है और साकुरा को याद आता है कि साय ने उससे क्या कहा था। साय ने साकुरा से कहा था कि मैं ये बुक किसी को पढ़ने नहीं दे सकता। साकुरा साय की बुक को ओपन कर लेती है। साय सोचता है कि जब काबुटो ने उस पर अटैक किया था तब वो बुक वहाँ पर गिर गई होगी। ये देखकर ओरोचिमारू कहता है कि क्या हुआ साय, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो साय कहता है कि नहीं। फिर काबुटो कहता है कि लॉर्ड ओरोचिमारू मुझे कुछ चाहिए। तो ओरोचिमारू कहता है कि वो तो हमारे स्टॉक में होगा ना, और वैसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है ना। तो काबुटो कहता है कि नहीं, मेरा ब्लड ग्रुप AB+ है। नारुतो और यामाटो प्लान डिस्कस कर रहे हैं तभी उन्हें साकुरा बुला लेती है वहाँ पर। फिर वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। कैप्टन यामाटो कहते हैं कि तुम्हें इसकी बुक से कुछ पता चला है क्या? तो साकुरा कहती है कि नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता चला है क्योंकि इस बुक में डायलॉग्स ही नहीं है। साकुरा बताती है कि ये जो ड्राइंग है ये ब्लैक हेयर वाले बच्चे की है। तभी नारुतो नोटिस करता है कि ये बच्चे का आउटफिट देखो तुम। फिर साकुरा बताती है कि इसका आउटफिट भी चेंज हो रहा है और इसके वेपन्स भी चेंज हो रहे हैं। साकुरा बताती है कि बुक के सामने जो लड़का है उसके बाल वाइट है और वो दोनों एक साथ ट्रेन कर रहे हैं। तो कैप्टन यामाटो कहती है कि ये दो बच्चों की कहानी है जो ट्रेन हो रहे हैं। साकुरा बुक के मिडिल पेजेस को ओपन करती है, वहाँ पे एक ही साइड ड्राइंग बनी रहती है और नारुतो कहता है कि ये तो साय जैसा दिख रहा है। तभी साकुरा कहती है कि जो वाइट बालों वाला लड़का है वो साय का भाई है जैसा। ओरोचिमारू काबुटो और साय एक गुफा के बाहर ठहरते, फिर गुफा का दरवाजा ओपन होता है, वो तीनों उसके अंदर चले जाते। ये सब कैप्टन यामाटो का क्लोन बाहर से देख लेता है और कैप्टन यामाटो का क्लोन कैप्टन यामाटो को इन्फॉर्म कर देता है। कैप्टन यामाटो कहते हैं कि हमें ओरोचिमारू के हाइडआउट का पता चल गया, चलो हम चलते हैं। ओरोचिमारू काबुटो और साय वो गुफा के अंदर चले जाते हैं। साय कुछ नोटिस करता है, सास्के वहाँ पर बैठा हुआ रहता है। सास्के ओरोचिमारू से कहता है कि तुमने आने में देरी कर दी। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।